सुजाता हो गई तसल्ली। अब एक काम करो, हमारी फोटो खींचो और उसे फ्रेम करके अपने कमरे में लगा, ताकि अगली बार जब तुम्हें शक हो तो वो फोटो देखकर तुम उसे एक नंबर का घटिया आदमी ना। तू है लक्ष्य, इस सब की शुरुआत तूने की थी, मैं बस इसे खत्म कर रहा हूं। बड़े पापा, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ये मेरे और स्वरा के रिश्ते की आखिरी अग्नि परीक्षा होगी। बस बहुत हो गया, सब लोग अपने अपने कमरों में जाओ। और एक और बात याद रखना लक्ष्य, अगर आज के बाद तूने मेरे और स्वरा के रिश्ते पर उंगली उठाई तो मैं तेरे रिश्ते का सच सबके सामने ला कर रहूं। संस्कार जू। बस खत्म करो ये सब। क्या सुन रहा हूं? रागिनी आधी रात को घर अकेले वापस क्यों आई? तुम अब भी किसी और से? सॉरी पापा, आई एम रियली सॉरी, मुझसे बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अभी आपके साथ चलता हूं और रागिनी को इस घर में वापस लाता हूं। मैं आप सबके सामने ये वादा करता हूं कि मैं रागिनी को अपनी पत्नी होने के सारे हक दूंगा। पापा मुझे मुझे माफ कर दीजिए। संस्कार, क्यों किया तुमने ये सब कुछ? मिटा दो। तुम्हें क्या लगता है संस्कार, ये सब कुछ इतना आसान है? जब मन किया सिंदूर लगा दिया, जब मन किया हटा दिया। क्या बोल रही हो तुम, सीरियस होने की जरूरत नहीं है। संस्कार तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? तुमने सबके सामने मेरी मांग में सिंदूर भरा है। हाँ, तो भर दिया तो भर दिया। And by the way, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो हमें ये सब छोड़ के जाना पड़ता। हम अपना प्लान पूरा नहीं कर सकते। और तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे सिंदूर भरने से हम पति पत्नी हो गए? ऐसा नहीं होता स्वरा, सो डोंट टेक इट सो सीरियसली। टिश्यू दो और इसे पहुंच दो। तुम्हें सिंदूर का मतलब भी पता है? ये सब कुछ मजाक लगता है क्या तुम्हें? और लक्ष्य ने तुम्हारे साथ जो किया वो सब मजाक है? वो कुछ भी बोले संस्कार, क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है, और ये बात तुम जितना जल्दी समझ लो ना उतना अच्छा होगा। लक्ष्य तुम्हारे बारे में ऐसे बकवास नहीं कर सकता।
उसकी आंखों पर रागिनी के झूठ की पट्टी बंधी है, इसलिए उसकी जुबान इतनी चलती है। और उसका मुंह बंद करने के लिए अगर दोबारा मुझे ऐसी कोई हरकत करनी पड़े तो भी मैं करूंगा, समझी? चल। पता है संस्कार, बचपन से मैंने मेरी माँ की मांग सुनी देखी थी। जब भी उनसे सिंदूर के बारे में पूछती थी तो वो बस यही कहती थी कि सिंदूर बहुत पवित्र चीज होती है, उसे अपनी मर्जी से लगाया या हटाया नहीं जाता। एक औरत की जिंदगी में सिंदूर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी से उसके सुहाग की पहचान होती है। जब 20 साल बाद बाबा ने मेरी माँ की मांग में सिंदूर भरा तब जाकर वो दोनों एक हुए, पति और पत्नी बने। वो तब होता है जब दोनों पति पत्नी के रिश्ते में बंधना चाहते हो, पर हमारे केस में ऐसा नहीं है तो इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। और अगर तुम्हें बुरा लगा तो I'm sorry। अब इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। अब ये सब सोचना बंद करो और देखो हमें आगे क्या करना चाहिए। रागिनी ने हमारे रिश्ते का सच लक्ष्य के सामने लाकर हमें बहुत बड़ी मुश्किल में खड़ा कर दिया। लक्ष्य अभी बहुत गुस्से में है और देखना वो कोई ना कोई हरकत जरूर करेगा जो रागिनी के फेवर में हो। एनीवेज देखते आगे क्या करना है, तुम सो जाओ। रागिनी क्या हुआ बेटा? रागिनी मान लो क्या तो रागिनी क्या हुआ? रागिनी तुम यहां ऐसे कैसे? क्या हुआ बेटा? ये माथे पे चोट कैसी है? वो दादी मां शेखर क्या है? शेखर बचा हमारे को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? छोड़ो मांगो, दूर हटो मेरी माँ से। क्या हुआ? मुझे नींद नहीं आ रही, मैं बस ऐसे ही थोड़ी देर टेंट के बाहर हूं। हेलो दादी माँ। रागिनी हेलो दादी माँ, दादी माँ। संस्कार संस्कार दादी माँ ठीक तो है ना? दादी माँ क्या हुआ? माँ ठीक तो हो? माँ दादी माँ दादी माँ दादी माँ आप ठीक तो है ना? हाँ लौटो। पर दादी माँ ये सब हो क्या रहा है? के बताऊँ बेटा, यह औरत जो है ना ये हमारी बहुत बड़ी दुश्मन है, यानी हमारी जिंदगी नरक बना के रखी हुई है। शेखर के जाते हमारे से लड़ाई करने लगे, लाडो आई बीच में, हमारे को बचाने के लिए यह औरत ने लाडो को धक्का दे दिया और लाडो को धक्का देने के बाद
ऐसा क्यों करूंगी? जिक्र मैं ऐसा क्यों करूंगी? तुम अपनी बेटी को बचाने के लिए, उसके झूठे नाटक को बचाने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। तुम्हारी बेटी की वजह से मेरी बेटी ब्याहने के बाद भी अपने मायके में बैठी है। तुम्हारी स्वरा की वजह से मेरी रागिनी के पति ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। और तुम्हारी वो झूठी और मक्कार बेटी सारी दुनिया के सामने अपने झूठे पति से अपनी मांग भरवा रही है, और ये मैं खुद देखकर आया हूं अपनी आंखों से। तुम अपनी झूठी बेटी के नाटक को बचाने के लिए मेरी बेटी और मेरी मां को मार सकती हो, जान ले सकती हो उनकी, और इसलिए आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ना शेखर, यह औरत को सजा मैं दूंगी। तू पुलिस को फोन कर। पुलिस को फोन कर। पुलिस को फोन कर जल्दी। मां, दादी मां, पुलिस को फोन कर पहले। माँ, पुलिस को फोन करेंगे बड़ी बदनामी होगी, सबको पता चल जाएगा। अरे छुपाने को बचा ही क्या है शेखर, तू बुला पुलिस को। ए, क्या हुआ रे मारान? इतना रात इतना शोर क्यों मचाता है? तू रुक पंगालन, अभी बताती हूँ थारे को ये शोर काय का हो रहा है। रागिनी जा, लाडू पहले पुलिस को फोन कर। तुमने देखा स्वरा माँ ने क्या किया? रागिनी ये तुम भी जानती हो कि माँ ने ऐसा कुछ नहीं किया है। हाँ स्वरा, पर देखने में तो यही लगता है ना। और अब दादी माँ भी हमारे साथ है। जिस दिन दादी को पता चलेगा ना कि तुमने लक्ष्य को पाने के लिए क्या क्या किया है, फिर देखना सबसे पहले वो तुम्हें सजा देगी। रागिनी वो तुम्हारी दादी है, तुम्हारे लिए वो माँ से भी बढ़कर है। तुम उन्हीं के विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रही हो, और जिस दिन उनका भरोसा टूटेगा ना तब वो भी टूट जाएगी। पर हम दादी माँ का भरोसा नहीं टूटने देंगे। अब हम वो जरूर करेंगे जो उन्होंने हमें करने को कहा है। कुछ ही देर में पुलिस आकर माँ को गिरफ्तार करेगी। रागिनी तुम ऐसा नहीं कर सकती। स्वरा ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुमने हमें ये सब करने पे मजबूर किया है। स्वरा स्वरा हम माँ को कभी दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे, पर तुमने हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। संस्कार, मुझे अभी के अभी बाड़ी जाना होगा। चलो। नहीं संस्कार, तुम मुझे बताओगी कि अब मुझे क्या करना है या नहीं? मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, तुम अकेली बाड़ी नहीं जाओगी, समझी? संस्कार मैं बस इतना कह रही हूँ कि तुम जल्द से जल्द महिला समिति वालों को वहाँ लेकर आ जाओ। मैं बाड़ी पहुँच कर सब संभालने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, चलो। यह औरत मारी लाडो के बारे में अनाप शनाप बोल रही थी। कोई सबूत या गवाह? जी हाँ, मैं और मेरा दामाद लक्ष्मेश्वरी। लक्ष तो पीर पीर गलत के साथ दे रहा है, मौत पास दे रागिनी का जाल में मौत पास। इंस्पेक्टर, देखकर यकीन तो मुझे भी नहीं हुआ था, पर यही दादी माँ का गला दबा रही। मिसेस शर्मिष्ठा गड़ोजिया, हम आपको पार्वती गड़ोजिया पर जानलेवा हमला करने के इल्जाम में गिरफ्तार करते हैं। छोड़िए मेरी माँ को, छोड़िए। छोड़ो, अच्छा हुआ तू आ गई। देखना
ये सब कैसे झूठा ही जम लग रहा है तेरे माँ पर, बोलना इंस्पेक्टर को। इंस्पेक्टर, I'm sure आपको कोई गलत फहमी हुई है, मेरी माँ कभी ऐसा नहीं कर सकती। रागिनी, तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ करके तुम मुझे कमजोर कर रही हो? नहीं, इससे तुम मुझे और स्ट्रॉन्ग बना रही हो। दादी माँ, इंस्पेक्टर, आप मेरी माँ को ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी माँ को, वो ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकती। आई एम सॉरी मैम, पर हमारे पास गवाह है। आप तो तुम हमें भी झूठा साबित कर दोगी। क्यों सोरा, झूठ बोल रहे हैं ना हम? नहीं बाबा, आप झूठ नहीं बोल रहे हो, आपको झूठ दिखाया जा रहा है जो आपको सच लग रहा है। देखिए मैडम, आपको जो भी बात करनी है पुलिस स्टेशन में आके बोलिए, ले चलो इन्हें, चलो। आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप मेरी माँ को ऐसे लेकर नहीं जा सकते हो। मामा समझाइए इन्हें। दीदा, इंस्पेक्टर, हमने एफआईआर तो लॉज कर दी है, क्या ऐसा कर सकते हैं आपके इन्हें गिरफ्तार? कल सुबह कर लें। सुबह? शिखर तू क्या कह रहा है? या औरत ने मने मारने की कोशिश की है और तू? हाँ माँ, पर अर्पर कुछ नहीं। शिखर, इससे पहले कि तू कमजोर पड़े अंदर जा। नहीं बाबा, बाबा। शेखर, थारे को खाटू श्याम जी की सौगंध है, अंदर जा। लक्ष्य, अंदर लेकर जा। बाबा, बाबा ऐसे नहीं कर सकते। दादी, दादी प्लीज प्लीज, आप ऐसा नहीं कर सकती। रागिनी, वो तुम्हारी भी माँ है, हम दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं कि माँ ने ऐसा कुछ नहीं किया। चलो प्लीज ऐसा बात कीजिए। अरे पार्वती, पार्वती क्यों रे, क्यों किया ये सब, क्यों किया? हरी शोमी, जा प्लीज ऐसा बात कीजिए। शोमी प्लीज छोड़। क्या औरत को जेल जाते हुए देखकर मन को बड़ी तसल्ली मिल रही है। रुकिए। आप इन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते। डाटो, तो वही महिला समिति वाली औरतें? इन पर लगाए सारे इल्जाम झूठे हैं। कोई झूठे वूठे ना है, सब सच है। इंस्पेक्टर साहब, या औरत ने मारे को मारने की कोशिश की है। शेखर, बता दे सच है ना? या दादी माँ, जो इंसान कुछ दिनों पहले आपके घर आने के लिए बेचैन हो और आप उन्हें धक्के मारकर निकालने में लगी हो, तो ऐसे में विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि माँ आपको मारने की कोशिश कर रही थी, जबकि ये अपने रिश्ते को बचाने के लिए जबरदस्ती आपके घर रह रही थी, तो वो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगी? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कह रहा हूं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो ये महिला समिति से आइए, और इन्हें सब पता है, कुछ दिनों पहले दादी अपनी बहू को घर ले जाने के लिए तैयार नहीं थी और ये अपने बहू और बेटे का तलाक कराना चाहती थी। इस मामले को लेकर हमने महिला समिति में एक लेटर भी लिखा था जो इनके पास है, आप देख सकते हैं। पार्वती जी,
अब हमें इस केस में और पुख्ता सबूत की जरूरत है। इंस्पेक्टर साहब, चश्मदीद गवाह हैं आपके पास, और क्या पुख्ता सबूत चाहिए आपको? चश्मदीद गवाह में इनके पति हैं, जो इनसे बिना वजह अलग होना चाहते हैं, और दूसरे आपके दामाद हैं, जो आपके हाँ में हाँ ही मिलाएंगे। आपका कहने का मतलब है कि ये दोनों झूठे? इंस्पेक्टर, हमने सच में देखा था। लेकिन अंकल, ये जरूरी नहीं कि आंखों देखी हर चीज सही हो। और वैसे भी इंस्पेक्टर साहब, शाम होने के बाद आप किसी भी औरत को गिरफ्तार नहीं कर सकते। इस मामले में आगे की कार्रवाई सुबह की जाएगी। चल शमी, चल 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 अंदर, चल सब, चल 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 चल। सुना, जो हुआ सो हुआ, पर एक बात बता, क्या सच में संस्कार ने तेरी मांग भरी? सॉरी आंटी, उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। माँ, रुक जाओ रागिनी, गेट आउट ऑफ हियर। संस्कार रास्ते से हट जाइए, हम अपनी मां से बात करने आए हैं। अभी कुछ बात करने को बचा है रागिनी? माथे पर सिंदूर अच्छा है स्वरा, तुम्हारे पति ने लगाया है? स्वरा से बात करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें रागिनी। हम अपनी बहन से बात कर रहे हैं संस्कार। संस्कार, स्वरा उसे आने दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है माँ, हमने ये जो कुछ भी किया वो सिर्फ अपने प्यार को पाने के लिए किया माँ, और प्यार और जंग में तो सब कुछ जायज होता है ना माँ। माँ, हम आपके जितने महान नहीं हैं, जो अपने प्यार में सारे हदें पार करके इतने सालों तक अपने प्यार से दूर रह सके। माँ, हम अपने प्यार को कुर्बान नहीं कर सकते। माँ, देखा जाए तो जिंदगी में ये पहली चीज है जिसके लिए हम इतना लड़ रहे हैं, वरना आज तक जो भी मिला हमने उसी में तसल्ली की है। तो माँ, हमें समझ नहीं आ रहा कि सबको हमारी खुशियों से इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। माँ, ये सब जो कुछ भी हो रहा है ना, हमें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। आपको हमें मारने का इल्जाम, आपकी गिरफ्तारी पापा, और आपका झगड़ा हमें बिल्कुल पसंद नहीं हुआ। हम ये सब नहीं करना चाहते, पर ये सब स्वरा की वजह से हो रहा है। माँ, स्वरा के पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, वो कभी हमें गुनहगार साबित नहीं कर सकती, तो ये सब बंद क्यों नहीं कर देती? माँ, इस सब से आपके और पापा के बीच के फासले और बढ़ेंगे। आज तो इन दोनों की झूठी शादी का सच भी सबके सामने आ गया, हालांकि इन दोनों ने वो बात संभाल ली। पर माँ, संस्कार का कोई भरोसा नहीं है। कल तक वो हमारे साथ थे और उन्होंने हमें धोखा दे दिया, तो क्या पता कल को वो स्वरा को भी धोखा दे दे। मैंने कोई धोखा नहीं दिया रागिनी, मैंने सच का साथ देने के लिए तुम्हारा साथ छोड़ा और तुम्हें सुधरने का एक मौका भी दिया, लेकिन तुम होगी। इतनी दूर आकर हम हार नहीं मान सकते संस्कार, इतना सब कुछ करके इतनी दूर आके अपने प्यार को नहीं भुला सकते हम संस्कार। और माँ, जब सबको पता चलेगा कि बिना शादी के स्वरा एक पराए मर्द के साथ रह रही है, तो
तो लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे? तब फिर से हम ही सही साबित होंगे ना माँ? हाँ, घर वाले थोड़े नाराज होंगे, पर उन्हें मानना होगा, क्योंकि क्योंकि हम कानूनन लक्ष्य की बीवी है। पर स्वरा का क्या होगा? संस्कार तो काम होने के बाद उसे छोड़ दे, क्योंकि संस्कार अपने फायदे के लिए स्वरा का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। स्वरा पर वैसे भी नाजायज होने का इल्जाम है, और अगर ऐसे में संस्कार ने उसे ऐसे बीच रास्ते में छोड़ दिया तो लोग स्वरा के खिलाफ एक और शब्द भी बोला ना तो मैं बाहर डालूंगा इसे। क्या कर रहा तुमने? वो उसको तो हो जाएगी, नहीं करूंगा मैं, मैं जाने दो इसे, नहीं करूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा मैं। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.